देखिए हजारीबाग झील की आधुनिक मशीन जो है, आधुनिक सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी ट्रायल रन लिया जा रहा है। ट्रायल में ये चेक किया जाएगा कि मशीन कैसा काम कर रही है। आइए हम लोग आपको नज़दीक से दिखाते हैं किस तरह से ये मशीन है कचरा साफ करेगी। मैं कैमरामैन को बोलूँगा यहीं पर रहें और दिखाएं, यहाँ से यही एरिया है, बस यहीं रहे, अंदर मत चले जाओ भाई जी, यही एरिया है और यहाँ से जो है पूरा मशीन देखिए किस तरह से ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर को दिखाओ, ऑपरेटर जो है वो मशीन पे बैठ चुके हैं, मशीन की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, मशीन चालू हो चुका है और इतना विशाल मशीन किस तरह से हजारीबाग के झील के जलकुंभियों को साफ करेगा। अब ये मशीन हजारीबाग, थोड़ा पीछे आओ तो दिखेगा ना कैसे जा रहा है, आओ पीछे आओ, हाँ अब ऐसे दिखाओ, हाँ आप दिखाओ, हाँ 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 ये देखिए ये जो आधुनिक मशीन है झील में इंस्टॉल हुई है, ये चलने के लिए तैयार है और इसी मशीन से अब लगातार हजारीबाग की झील साफ होगी। आगे 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 दो लाइट लगा हुआ है उसके और पावरफुल लाइट है, क्लीन टेक की ये मशीन है, मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है और हाँ जमा होगा वहाँ पे सारा कूड़ा कचरा जो जमा होगा ना, हाँ तो बिल्कुल अब पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मशीन के जो ऑपरेटर हैं वो मशीन में बैठ चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं जलकुंभियों को साफ करने का। जो तो ये देखिए जो पहला स्ट्राइक है ये मशीन करेगी, तो हम लोग आपको कैमरे में दिखाएंगे, देखिए किस तरह से जो मशीन है अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसे चक्का घूम रहा, चक्का जो है मशीन का चलना चाहिए, थोड़ी थोड़ी जो प्रक्रिया है इसमें लोग इधर देखो ना, हाँ ये देखिए मशीन चालू हो गई है और अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ चुकी है। हजारीबाग झील में आधुनिक मशीन से जो सफाई होने वाली है वो अब जा चुकी है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध में जा रहे हैं कुछ लोग साफ सफाई के लिए। थैंक यू। और युद्ध स्तर इसी को कहते हैं, जब काम युद्ध स्तर पर होता है तो ऐसा ही होता है, मशीनें लगती हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है, तब जाके कुछ आपको मिलता है। ये देखिए ये जो मशीन है ये चालू हो चुका है, मतलब पूरी तरह से चल रहा है, एक्टिव हो गया है, हाँ ये फ्रंट आ गया, अब देखिए किस तरह से साफ करेगा वो लोगों को। ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, इधर देखिए 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 ये देखिए सारा जलकुंभी उठ रहा, जलकुंभी किस तरह से आसानी से उठ रहा है, हाँ चला गया कितना जल्दी, इधर देखा ये ना, ये देखिए इतना जलकुंभी इतना जल्दी साफ कर दिया। टाइम का बचत होगा, रिसोर्सेस का बचत होगा और मैन पावर की जो है वो बचत होगी। चक्रा जो है किस तरह से, दो आदमी तो अभी समझिए कि एक तरह का ट्रायल रन है, ये लोग ट्राई करके सिर्फ दिखा रहे हैं कि किस तरह से जलकुंभी जो है वो साफ होगा। रोड पे ही था, सलाम तो ये देखिए थोड़ी देर के लिए ये मशीन शुरू हुआ था और फिर से बंद हो गया, तो क्या प्रोसेस है ये लोग क्या करेंगे अभी पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से शुरू करके ऐसा दिखाया जाएगा। तो इतना विशाल मशीन अब ये झील पे ही रहेगा और झील की देख रेख करेगा, तो आप कह सकते हैं कि अब हजारीबाग झील को एक दरबान मिल गया है जो इसकी साफ सफाई करेगा, क्योंकि कई सालों से झील की सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हजारीबाग की झील तरक्की की राह पे है, कहना गलत था,
तो हजारीबाग की मैडम जो डीडीसी मैडम है वो अभी तक यहाँ पे खड़ी हुई है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, फिर भी छाते के नीचे वो आ चुकी हैं। सामान रखा हुआ था? अच्छा हाँ बिल्कुल, कुछ पहले से सामान रखा हुआ था उसी के ऊपर मशीन, जो कचरा है वो चला गया है तो उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल माहौल जो है हजारीबाग झील का कुछ दिन के बाद अब ऐसा लगेगा कि ये जो कचरे आपको दिख रहे हैं ये शायद नहीं दिखेंगे इस मशीन के थ्रू, और एक आधुनिक तकनीक वो भी मेक इन इंडिया मॉडल के थ्रू मनाया जा रहा है। मेक इन इंडिया मॉडल बुलाया गया है, ये कोई चाइनीज मेड आइटम नहीं है, इंडिया में ही बना है ये प्रोडक्ट और इंडिया के ही जलकुंभियों को साफ करेगा, इंडिया के झील तालाब ऐसी चीज़ें जो हैं तो पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ ये मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और रिजल्ट क्या होगा वो कुछ दिन के बाद हम लोगों को पता चलेगा। आप लोगों को बता दूं कि मंडे को इस प्रक्रिया जो है अभी दिखाया गया है, इसका पूरा औपचारिक तौर से उद्घाटन भी किया जाएगा और एक कैसे उसको दिखाया जाएगा लोगों को दिन में कि कैसे पूरा झील जो है वो साफ हो रहा है। ब्लेड दिखाइए ना आ गया। हाँ ब्लेड, तो यही जो घातक ब्लेड है जो जलकुंभियों को काट रहा है। हाँ तो आप देख सकते हैं ये ब्लेड जो है ये लगातार झील की जलकुंभियों को काटेगा। और ये 10 फीट 20 फीट नीचे तक जाके काटेगा। हाँ ये देखिए, हाँ ये जो जलकुंभी निकाल रही है ये जड़ से निकाल रहा है ये। हाँ मतलब अब कोई स्कोप नहीं रहेगा। ये देखिए किस तरह से जो भी जलकुंभी है इसे जड़ से निकाला जा रहा है। नहीं हो जाएगा। कहाँ चालू हुआ? तो देखिए विनोद भी आ चुका है मेरे साथ। तो विनोद कहाँ थे आप? हम तो अभी घर में थे। आपने ये जो नजारा है मिस कर दिया है झील का, पहले हाँ ये हम मैं अभी ऑनलाइन देख रहा था आपको। ऑनलाइन देख रहे? हाँ देख रहे थे। तो ये कैसा लग रहा है ये नजारा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब खासतौर पे जलकुंभी जो झील में झील की खूबसूरती को जो छुपा देती है उसके लिए बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है और अच्छा मशीन है। सिर्फ वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के लिए, वर्क करना चाहिए क्योंकि झील चारों कोना में हम लोग झील देखते हैं कि ये चीज़ जाल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो खूबसूरती हमारा झील का ख़त्म हो जाता है। अब जलकुंभी मशीन आने के बाद, हमको नहीं लगता है कि अब नज़र आना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं, ये जो आप आप स्टार्ट हो चुका है, आपके सामने आप बहुत सही टाइम पे आए हैं। फिर से मशीन जो है वो चालू कर दिया गया है और ऑपरेटर बैठ चुके हैं और मशीन आगे बढ़ रहा है। और देखिए ये जो है हरकत में आ गया है मशीन, और ये देखिए यही जो प्रोसेस है ये दिखाने के लिए हम लोग वेट कर रहे थे कैसे ये पूरे जलकुंभी को काटते हुए अपने अंदर ले जाएगा और फिर जो कचरा। तो ये विशाल मशीन जो है वो झील में आ चुका है, एक चक्कर मार रहा है और जो प्रोसेस है ट्रायल लिया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि कैसे इसे फुल प्रूफ तरीके से आगे जाके साफ किया जाएगा। तो जैसा इंजीनियर ने बताया था कि दो लोग मिलके ही इस पूरे प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।
हाँ देखिए यहाँ पे कैसे वेस्ट मटेरियल को जो है ये बाहर निकाला जाएगा। हाँ ये देखिए ये कचरा निकालने के लिए। हाँ हाँ ये देखिए ये जो इस तरह से देखिए कचरा को निकाला जा रहा है ये। हाँ जितना भी वेस्ट है देखिए जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो रोल करके इस मशीन के थ्रू आ जाएगा, कोई मैनुअल वर्क नहीं आएगा। हाँ मतलब रोलिंग करेगा ये, रोल करते हुए इसमें जितना भी कचरा लगा हुआ है वो सब कुछ इससे सामने आ जाएगा। हट जाओ धीरे धीरे हटो साइड हटो। हाँ हट जाओ हट जाओ। तो ये देखिए जो भी चीज़ जो भी कचरा था यहाँ पे वो सारा कचरा निकल रहा है। हाँ ले लीजिए देखते हैं। हाँ तो अच्छा लगता है। हजारीबाग में पढ़ते हैं आप हजारीबाग के अगल बगल का जो घटना दिखाते हैं जेपीएससी का कैंडिडेट के बारे में आप बहुत ज्यादा दिखाए हैं, तो जेपीएससी से हम बहुत प्रेरणा लिया, आपसे हमको सीख मिला। तैयारी कर रहे हैं उससे लिए फिर हम आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रन यादव हुआ। रैंक 1 लाइएगा? रैंक हाँ टॉप 10 से ही रहेगा, मतलब 10 के नीचे ही रहेगा। ठीक है तो हम देखें कि इससे हमको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिला। आप बहुत ज्यादा दूर गए, मतलब पूरा हजारीबाग में आप देखें कि पूरा स्थान भी रहते सभी जेपीएससी का कैंडिडेट बुलाए हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रेरणा आपसे हुआ। आपसे मतलब इस तरह से आर टीपीएससी लोहा नहीं इनके साथ मशीन था शायद वही निकला कचरा। तो ये पानी से निकला है कि ऐसे ही बाहर था? इसी तरह से मशीन में पहले से था ये। इसी तरह से आप यूपीएससी आइए, जितना ही मतलब है जो तैयारी कर रहे हैं मतलब करें उन लोगों के बारे में दिखाइए, उससे हमारे में यूपीएससी एक दो निकला है बारे में हाल फिलहाल में तैयारी का। उससे क्या होता है कि जितना भी स्टूडेंट है आपको उससे मतलब बहुत ज्यादा देखता है, हमको देखना आप शेयर भी करते हैं जितना भी अगल बगल है। लेकिन नहीं इससे क्या होता है कि हमें प्रेरणा मिलता है, आगे आगे करने का कुछ नया उत्साह मिल रहा है। बिल्कुल नहीं हम लोग पूरा कोशिश करेंगे जेपीएससी यूपीएससी जो भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका सेवा का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मतलब हजारीबाग से निकला आपका, हम लोग हमेशा वीडियो देखते रहे, अच्छा भी लगा आपके। बिल्कुल प्रोत्साहित हुए हम लोग, मोटिवेट हुए बहुत। तो देखिए अब ये मशीन जो है कचरा जो है वो पूरा बाहर फेंक के चला गया है। हाँ हाँ इसी तरह से ये रोल कर रहा है मशीन और अब वो आगे जा रहा है और कचरा निकालने के लिए। तो जो प्रोसेस है वो पूरा काइनेटिक है, मैकेनिकल है, अब जाया गया है। और एक मेक इन इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहते हैं उसका एक सटीक एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है। हजारीबाग झील में ही उसे देखने को मिल रहा है और नगर निगम के जो द्वारा ये मशीन 2 करोड़ में ऐसा मंगाया गया है, यहाँ के DDC का कहना है। देखिए किस तरह से कचरा जो है वो निकाला जा रहा है और सारे जो कचरे हैं उसको बाहर लाके फेंक दिया जाएगा। हाँ तो ये देखिए ये जो प्रोसेस है जलकुंभियों का वो पूरा लगभग जमा हो चुका है मशीन में और बहुत जल्द झील के एरिया को साफ कर रहा है। तो आज पूरा झील मैकेनिक हो गया है, मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकली साउंड हो गया है और झील का पेट आज खाली हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसका जितना खाना है वो सारा बाहर झील के आ जाएगा। तो हजारीबाग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडवांस हो गया है, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली साउंड हो गया है और इतना बड़ा मशीन जो लगाया है उससे शहरवासियों को साफ सफाई में शायद बहुत फ़ायदा होगा और लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट होगा हजारीबाग वासियों के लिए, क्योंकि झील जो है हार्ट ऑफ हजारीबाग कहा जाता है और झील की सफाई इतने अच्छे से जब की जा रही है तो खूबसूरती पे 4 चांद लगा सकता है, बढ़ जाएगा ना। बिल्कुल हाँ 2 व्हील में चलेगा और बाकी वही बोट वाला सिस्टम है। लेकिन हाँ मशीन जो है मैकेनिकल कुछ कूट फंसा है। हाँ देखिए उस तरह का चीज है, उस तरह का चीज भी सारा चीज
मतलब जितना कचरा है सब कुछ आ जाएगा। अरे सांप कूप भी आ सकता है जी साथ में निकले। दूर रहो जी, ए कैमरा मैन। हाँ लकड़ी है, सांप उप भी निकल सकता है, वाटर स्नेक। हाँ थोड़ा पीछे आ जाओ। हाँ पीछे आ जाओ, अब यहाँ पे साफ करके कचरा दिखाया जाए। आ जाओ पीछे आ जाओ। हाँ अच्छा बढ़िया। तो ये देखिए अब कचरा यहाँ से निकल रहा है। फ्लैश ऑन कर लो तभी, फ्लैश ऑन कर लो। हाँ दूर से देखो, यहाँ से, यहाँ से। हाँ देखिए किस तरह से 5-10 मिनट में जो है इतना ज़्यादा जलकुंभी हजारीबाग झील के बाहर निकल जा रहा है। इसी को निकालने में कितने लोग लगते थे, कितना टाइम लगता था, लेकिन अब जो है बहुत कम टाइम लगेगा, एनर्जी बचेगा और सफाई भी है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। कि अब मलबा जमा हो गया है, मलबा जब सूखेगा तो इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। मशीन दिखाओ, घूमते हुए दिखाओ। हाँ देखिए लाजवाब मशीन है, कम करते हैं। मशीन को पूरा दिखाओ। हाँ मशीन का कटर वही काटता है नीचे से, हम अंदर जाए काटता है पूरा जड़ तक जाके, और उसके बाद फिर जितना कचरा है वो उसमें अंदर चला जाता है। सब काट दे रहा है तो टूट उठ क्या है, लोहा टीना सब काट देगा। पानी भी लग रहा है तेज होगा। तो देखिए अब मौसम सक्सेसफुल मैडम से पूछ लेंगे। हाँ आ जाओ आ जाओ मैडम। हम लोग अभी भी जुड़े रहे लाइव बहुत देर तक और सक्सेसफुल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ आप बोलेंगे इसके बारे में? यही कि बहुत सस्टेनेबल मेथड है और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये हम लोगों का हजारीबाग का ये जो प्लेस है, स्पेशली हमारा झील का एरिया आइकॉनिक प्लेस जैसा है, और जो हम लोग आजकल जो अर्बनाइजेशन जिस लेवल से बढ़ रही है और इस मशीन की सहायता से झील अब हम लोग बचा लेंगे। और सिर्फ झील ही हमारा नहीं है, हजारीबाग में बहुत सारी ऐसी तालाब है। आपने ओकनी तालाब देखा होगा, कृष्णापुरी तालाब है, लमकी पोखर है। तो हमारा फ्यूचर का प्लान है वो सब भी क्लीन करने का इस मशीन के साथ। हुरहुरु तालाब है, जोरा तालाब, ये सब भी अगर मशीन पहुंच पाएगी तो हम लोग वो सब एरिया को भी क्लीन करेंगे। कितना फ्यूचरिस्टिक सोच है, हजारीबाग में ऐसा शायद पहले नहीं हुआ है कि मशीनों के जरिए तालाबों को साफ किया जा रहा है। आज भी खड़े हैं हमारे तालाब, एक किताब आई थी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, उसमें किस तरह से तालाबों को बचाया जाता है, शायद वो दिन वापस लौट रहे हैं हजारीबाग में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, जोहार, हजारीबाग।